आपको पता ही होगा कि मैंने 15 दिन पहले ये रिबन ग्रास का जो मैंने कटिंग करना आपको बाय कटिंग ग्रो करना सिखाया था, वो मेरे पास देखो कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। अगर आपको वो वीडियो मेरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उस लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो जो कि मैंने ये वीडियो जब बनाई थी। और अब देखो आप इसका रिज़ल्ट, तो मैं इसका रिज़ल्ट देखिए आप कितना अच्छे से ये ग्रो हो गया है और एक भी कटिंग मेरी ख़राब नहीं हुई है। तो ये जो रिबन ग्रास है बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके दो शेड होते हैं, आप देख ही रहे होंगे, इसके पत्ते देखो कितने प्यारे हैं, देखिए अलग से बिल्कुल नेचर, बिल्कुल बहुत प्यारा इस तरह से। और एक मेरा ये है गेंदे का प्लांट, तो ये टॉल वैरायटी वाला गेंदा है जो कि मैंने छोटे छोटे अपने पॉट्स में इसे ग्रो कर लिया है, ये भी मैंने बाय कटिंग किया है ग्रो। और एक मेरा ये है कोलियस का, तो इसी तरह से मैंने बड़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे बाय कटिंग ग्रो किए हैं। तो मेरी पूरी वीडियो देखना आप लोग, अगर मेरी वीडियो में कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आराम से आप मेरी वीडियो में न्यू वीडियो पर पहुँच पाओगे। तो और यहाँ पे और कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसे भी कमेंट आपके, उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अगर आप ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आगे यही बोलूँगी, देखिए यहाँ पे है ये मेरा क्लेनचोई का प्लांट, क्लेनचोई के प्लांट के साथ मैंने ये लगाया है पेपोरीमिया। पेपोरीमिया का प्लांट मेरा इतना ज़्यादा फैल गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जहाँ से मैंने ये कटिंग ली है मैं वो चीज़ दिखाती हूँ आपको। पेपोरीमिया वाली भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि पेपोरीमिया को मैंने किस तरह से ग्रो किया था, और मैंने एक लीव से उसको ग्रो किया था, और लीव का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मेरा पेपोरीमिया का प्लांट, जो कि मैंने ऐसे करके इस तरह से स्टैंड पे लगाया हुआ है, ये स्टैंड मैंने खुद ही बनाया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये देखिए कितना ज़्यादा बुशी हो गया है। और ये आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरा सिर्फ एक लीव से मैंने इसे बनाया है, एक लीव लेके आई थी मैं कहीं से, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को पता ही है जो कि मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि मैंने एक लीव से इसको ग्रो किया था। और आज मेरे पास देखिए कितना ज़्यादा बुशी हो गया है, मैं दूर से इसको आप लोगों को दिखा देती हूँ इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए, तो ये देखिए कितना ज़्यादा फैल गया है, और मैंने यहाँ पर एक लीव से भी इसे कहीं लगाया था, लग गया है, देखिए मैंने ना एक लीव लगा दी थी, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो एक लीफ दिख रही है आपको, ये लीफ ये साइड में, ये मैंने एक लीफ से लगाया था, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ पत्ते मेरे ख़राब भी हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने एक लीफ लगाई थी यहाँ पे, दिख रही है आप लोगों को, ये तो अलग से टूटी हुई है ना, ये देखो ये एक लीफ में भी इसमें ना देखो ये रूट आ गई है, तो ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी, इसी से ही एक प्लांट बन जाएगा। और देखिए यहाँ से ये देखो यहाँ पे एक लीफ थी, लीफ से ही यहाँ पे क्या बन गया है, ये देखो ये वाला एक प्लांट बन गया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हम लीफ से ही बना सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है ये प्लांट, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसकी भी मैंने अभी इसको कटिंग से ग्रो किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मेरे पेपोरीमिया का प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है, और जहाँ से मैंने ये कटिंग ली थी, इसको कटिंग के थ्रू भी हम लगा सकते हैं, और एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है, जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरे गार्डन में जो जो अपडेट हो रही है वो मैंने आपको दिखा दिया। सुख शांति का प्लांट जो कि मैंने आपको पहले बताया, मेरी पिछली वीडियो पर आपने देखा है, ये है सुख, ये है शांति, तो दोनों प्लांट्स आपने देख लिए। हर एक प्लांट हमारे घर के लिए लक्की होता है और पॉजिटिविटी लाता है,
बस ये कि कांटे वाले प्लांट नहीं लगाने चाहिए गुलाब को छोड़ के, कैक्टस हमें अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, उससे नेगेटिविटी आती है। बाकी ये मेरे प्लांट्स की अपडेट है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपोरिमिया वाला वीडियो का भी मैं वो डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी, और इसका रिबन प्लांट का भी लिंक डाल दूँगी, और हो सके तो मैं कोलियस प्लांट का भी लिंक डालूँगी। आप लोगों को अगर विज़िट करना है उस वीडियो पर तो आप ईज़िली विज़िट कर सकते हो जो भी प्लांट लवर्स हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है आज की, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।